आज का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट खोलोगे घर बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए सीख लेता हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ हरनाल रशीद और अभी आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल 24 यूट्यूब चैनल। तो टेक्निकल 24 यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करना होगा SBI अकाउंट खोलने के लिए। तो हम लोग अभी पहले चला जाऊंगा एक ब्राउजर में। मैं अभी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। इसके बाद ऊपर यहां पे सर्च बार में आपको लिखना है www.onlinesbi.com। onlinesbi.com लिख के आपको एंटर मारना है। जब ही आप एंटर डालोगे तो ऐसा तरीका आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको मदद करेगा एक SBI ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए। तो देखिए, ये है एक बार जिस बार से आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो और कोई प्रोसेस इसमें है जो आपको आसानी से मदद करेगा एक ऑनलाइन SBI अकाउंट खोलने के लिए। तो हम लोग पहले ये जो बार देख रहे हो, ढेर सारा बार है, इसमें देखो यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे अप्लाई SBI अकाउंट, इसमें आपको जस्ट कर्सर लेके आना है, कोई क्लिक नहीं करना है। तो जब भी कर्सर लेके आओगे तो देखो नीचे दो ऑप्शन खुल गया, जस्ट थोड़ा नीचे एक कर्सर को नीचे करो। तो देखो जब भी नीचे किया दूसरा वाला एक, फिर आपको दाहिने तरफ तीन ऑप्शन मिल गया। इसमें देखो सैलरी अकाउंट, रेगुलर अकाउंट और इसके बाद भी और एक अकाउंट है। तो हम लोग रेगुलर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, जो हम लोग आम आदमी के लिए रेगुलर अकाउंट होता है। तो हम लोग रेगुलर अकाउंट में क्लिक कर दूंगा। जब ही रेगुलर अकाउंट में क्लिक कर दूंगा तो ऐसा आपके सामने एक फिर नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर दो ऑप्शन मिलेगा। देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहले वाला कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन के नीचे देखो स्टार्ट न्यू, तो स्टार्ट न्यू में हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। इसके बाद ऐसा तरीका आपको सामने एक फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म आपको पूरा के पूरा फिलअप करना है। तो ऐसा तरीका आपका एक फॉर्म नहीं, फॉर्म फिलअप करना होगा तीन फॉर्म। तो यहाँ पे पहले देखिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन, इसके बाद है अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन। और पहले कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन के अंदर क्या क्या है एक बार देख लीजिए। कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन के अंदर है पर्सनल डिटेल्स आपको पहले डालना होगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स और उसके बाद आपको डालना होगा आइडेंटिफिकेशन। जब आप ये तीनों फॉर्म फिलअप कर दोगे तब आपको यहाँ से लेके जाएगा ये ऊपर वाला, देखिए ध्यान दीजिए इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन है। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं और कैसे एक अकाउंट बनाते हैं SBI का। तो चलिए हम लोग फॉर्म के बारे में थोड़ा जानबूझ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको स्टार मार्क वाला, जो जितना भी ऑप्शन है स्टार मार्क वाला वो आपको फिलअप करना ही होगा। स्टार मार्क वाला अगर आप फिलअप नहीं करोगे तो ये फॉर्म आपको फिलअप कंप्लीट नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमर टाइप, तो इसके बाद देखो एक स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क वाला आपको करना ही होगा। और बाकी आप देखो ये नीचे थोड़ा आ जाओ तो देखो कई कई ऑप्शन में आपको स्टार मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला अगर आप फिलअप नहीं कर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आप आसानी से फॉर्म जनरेट कर सकते हो। तो हम लोग देखूंगा अभी कैसे फॉर्म फिलअप करता है। और तो हम लोग यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या करना है इसमें फॉर्म में। देखो इसमें लिखा है कस्टमर टाइप में आपको पब्लिक कर देना है। इसके बाद ये दूसरा वाला ऑप्शन में जस्ट पहले वाला कर देना है। तीसरा वाला ऑप्शन में आपको नाम डाल दीजिए। चौथा वाला ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर से सिलेक्ट करो और डाल दो। इसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखो लिखा है जेंडर क्या है, जेंडर मेल और फीमेल आप जो भी हो वो डाल दो यहाँ पे। उसके बाद आपका कंट्री क्या है, कंट्री आप इंडिया में हो तो इंडिया में डाल दो। इसके बाद देखो ये वाला जो है, ये वाला आप अगर फिलअप नहीं करोगे तो मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको डालना होगा तो सिंगल डाल दो हमें। इसके बाद देखो मदर्स नेम, आपको मदर्स नेम डालना ही होगा, अगर मदर्स नेम नहीं दोगे तो ये फॉर्म नहीं फिलअप होगा। इसके बाद देखो फादर्स नेम अगर आप दोगे तो मुश्किल नहीं है, नहीं दोगे तो भी मुश्किल नहीं है, अगर डाल सकते हो और नहीं डाल सकते हो आपका मर्जी है।
इसके बाद ये फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा थोड़ा नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। आपको एड्रेस अगर नहीं दोगे तो ये फॉर्म जेनरेट नहीं होगा। पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। ये बहुत ही आसानी फॉर्म है, ये आसानी से फिलअप कर लीजिए और इसके बाद नीचे थोड़ा आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो एक कैप्चा दिया गया है, एक कैप्चा आपको फिलअप करना है। कैप्चा में जो है यहाँ पे ये बॉक्स में डाल दीजिए और इसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। तो मैं फटाफट पे फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ क्या करना है। तो अभी मेरा पूरा फॉर्म फिलअप करना हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे आके ये जो कैप्चर है कैप्चर डालता हूँ। कैप्चर जो है वो जैसे है कैपिटल में अगर हो तो कैपिटल में डालो और स्मॉल में है तो अगर स्मॉल में आपको डालना होगा। इसके बाद इसमें प्रोसीड कर देना होगा। जब भी प्रोसीड में क्लिक करोगे ऊपर देखो एक ऑप्शन दिया गया है, इसके आपको ओके कर देना है। जब भी आप प्रोसीड में क्लिक कर दिया तो देखो ये इसमें एक नंबर आपको मिल जाएगा, जिस नंबर का नाम होगा TCRN नंबर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TCRN, TCRN नंबर आपको नोट करना होगा। नोट करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड, ये सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करना होगा। उसके बाद जब ये सेव एंड प्रोसीड में क्लिक कर दोगे आप तो देखिए ये दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपको, दूसरा वाला जो फॉर्म है उस फॉर्म। पहले आपको बताया मैं तीन फॉर्म फिलअप करना होगा आपको, तीन फॉर्म के अंदर मेरा पहले फॉर्म हो गया, इसके बाद दूसरा फॉर्म आ गया। तो दूसरा फॉर्म में देखिए यहाँ पे रिलीजियन, आपको रिलीजियन टाइप कर देना है, क्या रिलीजियन है आप। रिलीजियन के बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे क्या है, OBC SC जनरल जो भी हो बजाय आपको इसमें डालना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जो भी हो वो इसमें टाइप कर दीजिए। और इसके बाद देखिए ऑक्यूपिएशन, आप अभी क्या करते हो, क्या काम करते हो, आप इसमें जो भी लिखा है इसके अंदर हो तो ये डाल दीजिए, नहीं तो आदर्श डाल दीजिए। और ढेर सारा ऑप्शन है, अगर इसमें भी आप कुछ करते हो तो उसमें डाल दो। तो मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट में डाल दिया। और इसके बाद देखिए इसमें मंथली इनकम में आपको स्टार दिया हुआ है, इसके आपको देना होगा। इसके मैं अभी 1,00,000 देता हूँ करीब करीब मेरा फैमिली इनकम। और इधर फैमिली जो इनकम दिया हुआ है ये मंथली लिखा हुआ है, बट ये जो है देख रहे हैं अभी ये साल भर का इनकम है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा आ जाइए और नीचे देखिए आप क्या क्या इसमें देना चाहते हो, इसमें डालना होगा। तो मैं अभी वोटर आईडेंटी कार्ड डाल देता हूँ। और इसके बाद नीचे आने के बाद देखिए इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ IT पैन, तो आपको IT पैन जो होगा आपका नंबर, वो नंबर इसमें डालना होगा। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करना होगा। तो और एक बात है यहाँ पे देखिए फॉर्म 60x61, ये फॉर्म 60x61 क्या है, अगर आपका पैन नंबर आपके पास नहीं है, आपका पैन कार्ड नहीं है, तो फॉर्म नंबर 60x61 में जाइए और भी एक फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आके आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर से दे दीजिए। तो मैं अभी पैन नंबर देने वाला हूँ, पैन नंबर में क्लिक कर दिया, इसके बाद एक पैन नंबर इसमें डाल देता हूँ और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। मैं अभी पैन नंबर दे दिया इसमें, और पैन नंबर देने के बाद आपको बताया था मैं सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करना होगा। तो मैं सेव एंड प्रोसीड में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको फिर ओके करना है ऊपर जाने के बाद। अगर आप ओके कर दिया, इसके बाद आ गया आपके पास आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको देना होगा आपका ID का नंबर जो भी आप इधर डालना चाहते हो। देखो मैं अभी इसमें डालना चाहता हूँ इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें डालता हूँ। इसके बाद देखिए इसका नंबर इसमें डालना होगा, जो नंबर हो उसमें वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इलेक्शन कार्ड का नंबर जो होता है हमारा यहाँ का वो डाल देता हूँ अभी। और नंबर डालने के बाद आपको डालना है इशू का, आपकी जो कार्ड का नंबर यहाँ पे डाला वो किधर इशू हुआ, तो आपको ब्लॉक के नाम दीजिए। मैं ब्लॉक के नाम दे देता हूँ और ब्लॉक का आपका जो भी नाम हो उसमें टाइप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये कितना तारीख में आपको इशू हुआ, तो आपको यहाँ पे इशू डेट भी डालना होगा। और वो डालने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद नीचे और भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें नो कर देना होगा। नो करने के बाद जस्ट यस में क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। जब भी प्रोसीड कर दोगे देखो पहले तीन ऑप्शन यहाँ पे खलास हो चुका है। ये आपका जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो सही से ही आप अगर दे दोगे तो ऐसा तरीका आपको आ जाएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अगर आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गया तो ऐसा वाला आपको और एक फॉर्म मिल जाएगा,
जिसमें डालना होगा, देखो पहले आपको एक नंबर लिखने के लिए बोला था, नोट करके रखो, TCRN नंबर, जो नंबर आपको इसमें डालना होगा। तो मैं जो नंबर लिखा था वही नंबर इसमें अभी डालता हूँ। तो अभी मैं ये नंबर डाल दिया है, इसके बाद मेरे को जाना है ब्रांच कोड में। जब भी मैं ब्रांच कोड में क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे एक नाम शो कर दिया, जो नाम अकाउंट होल्डर के नाम से मैं अभी बनाया अकाउंट। तो इसके बाद ब्रांच कोड आपको डालना होगा। तो ब्रांच कोड अगर आपको पता है तो इसमें डाल दीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो इसमें जाइए ब्रांच लोकेटर, इसमें जाके भी आप ढूंढ सकते हो आपका ब्रांच लोकेटर क्या है और उसका कोड क्या है। तो अभी मैं इसमें फिलहाल हमारा पता है क्या है इसका कोड, तो ये इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट ब्रांच नेम। ब्रांच नेम में जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पे शो करेगा, और अगर आपको वही बैंक का नाम हो तो आप नीचे थोड़ा आ जाइए, और इसके बाद इसमें देखिए ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, SMS अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग, ऐसे और भी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप क्या लेने चाहते हैं यहाँ पे तो आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं अभी SMS अलर्ट लेना चाहता हूँ, इसके बाद SMS अलर्ट के बाद यहाँ पे आना है और रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी एक दो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आप कौन सा लैंग्वेज में लेना चाहती है, आपका जो SMS आएगा वो SMS को। तो मैं अभी फिलहाल इंग्लिश सेट करता हूँ। इंग्लिश सेट करने के बाद नीचे आ जाइए और इसमें देखिए प्रोसीड में क्लिक करना होगा। प्रोसीड में अगर क्लिक कर दिया आपको तो इसमें TARN नाम मिल जाएगा, जो पहले हम लोग देखा TCRN नंबर, इस बार मिलेगा TARN नंबर। तो इस नंबर के भी आपको नोट करना होगा, तो ये नंबर में भी नोट कर लेता हूँ। नोट करने के बाद फिर नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड में आपको क्लिक करना होगा। जब इस सेव एंड प्रोसीड में क्लिक कर दोगे तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर पहले वाला फॉर्म अगर आप फिलअप करने के लिए कोई छोड़ दिया तो इसमें रिव्यू कर सकते हो, अगर आपका पूरा सही है तो इसमें सेव एंड प्रोसीड में फिर क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड में इसमें जब क्लिक करोगे तो नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा आपको, सबमिट का बटन, जो बटन आपको क्लिक करना होगा। तो सबमिट के बटन अगर आप क्लिक कर दिया, इसके बाद ऊपर जाके ओके क्लिक कर दोगे। जब भी ऊपर क्लिक कर दोगे ओके में तो देखिए ये पहले फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें देखिए और एक ऑप्शन है, इस बार क्लिक करना होगा ये डाउनलोड एप्लीकेशन में। और डाउनलोड एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद मैं अभी जो आपको अभी अभी बताया हुआ है जो TARN नंबर आप नोट करो, और TARN नंबर इसमें अभी डालना होगा। तो मैं अभी TARN नंबर डाल दूंगा, इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो मैं अभी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, उसके बाद आपको एक कैप्चर मिलेगा, इस कैप्चर का अभी डालना होगा। इसके बाद आपको डाउनलोड में क्लिक करना होगा, और डाउनलोड में जब क्लिक कर दोगे, डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जो फाइल आपको मिलेगा माई कंप्यूटर में जाना होगा, और माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको यूजर में जाना होगा। यूजर में जाने के बाद आपको PC जो होगा PC में जाना होगा, और PC में जाने के बाद आपको डाउनलोड में देखो PDF फाइल, आपको ऐसा तरीका PDF फाइल मिल जाएगा। ये जो PDF फाइल को प्रिंट आउट करना होगा, और प्रिंट आउट करने के बाद आपको यही प्रिंट आउट के साथ आपको जितना डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा आपको नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वही ब्रांच में जाके वो खाता खोलाने के लिए पूरा फॉर्म जमा करना होगा। और जमा जब ही कर दोगे उस दिनों में आपके हाथ में खाता मिल जाएगा।